So I am just discussing the chapter, The Sound of Music by Deborah Cowley. So characters ke chapter samne hai. The chapter is divided into two parts. Both deal with the aspects of music and the legendary musicians who achieved excellence in their respective fields. Legendary musicians hamare hain Evenly Glynn aur Bismillah Khan. So first part hum log discuss kar rahe hain. The first part is about Evelyn Glynn, who in spite of being deaf earned a name in the field of playing xylophone. Yaad rakhenge kaun sa phone? Xylophone. Okay, aur last hum log ke samne Evelyn Glynn, an inspiration, is a perfect example that disability कैन नॉट स्टॉप अ पर्सन. डिसेबिलिटी हमें नहीं रोक सकती. हमारे शरीर के कोई भी अंग अगर काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारा विल पावर बहुत स्ट्रांग है, हम हार्ड वर्कर हैं, तो हम उसके बिना भी अपना काम कर सकते हैं. सो स्टॉप अ पर्सन टू अचीव इफ़ ही और शी इज़ डिटरमाइंड, मतलब वो दृढ़ कर चुका है कि वो कुछ करेगा या वो कुछ करेगी, भले उसके शरीर का कोई पार्ट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उस काम को करने के लिए वो काम नहीं करता है, तब भी अगर उसका विल पावर है तो वो सक्सेस पा सकता है. डिटरमाइंड एंड वर्क्स हार्ड टूवर्ड्स इट, और अगर वो उसके लिए बहुत मेहनत करता है तो वो उसके लिए सक्सेसफुल हो सकता है. इवेलिन ने हमें यही सिखाया है. इवेलिन अर्न मेनी अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स, शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और उन्होंने बहुत लोगों को सुकून दिया है, बहुत लोगों को खुशी दी है अपने टैलेंट से. इसमें इवेलिन ग्लिन रेनाउंड ज़ाइलोफोन प्लेयर हैं, और इनको बढ़ोतरी और या बढ़ावा देने वाले कौन थे? रॉन फॉप्स थे. रॉन फॉप्स कौन थे? परक्यूशनिस्ट थे. परक्यूशनिस्ट हम किसको बोलते हैं? जो बहुत अच्छा तबला बजाते हैं. और उन्होंने किसका काम किया? एक मोटिवेटर का काम किया. एंड हिज रोल प्ले इन एवेलिन लाइफ वॉज वेरी ग्रेट. प्लीज़ लिसन, रिपीट दिस वीडियो, लिसन टू इट. मैं आगे और डिस्कशन करूँगा. थैंक यू.